क्या होता है ये जे कर्व? जे कर्व होता है, अभी बिजनेस ऐसे चल रहा था, नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, टाइम बढ़ता जा रहा था, रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा था, ठाक रेवेन्यू बढ़ गया, टाइम नहीं बढ़ा। कुछ एग्जांपल समझिए, जैसे बर्बन नाम का मोबाइल एप्लीकेशन जो केविन ने बनाया था, वो शुरू में इतना हेवी एप्लीकेशन वो चला नहीं। हाँ, उसको उसमें 10 आइटम थे, लेकिन उसमें एक स्टेप आता है जहां पे आदमी अपनी फोटो खींच के अपलोड करता है। लोगों को फोटो खींच के अपलोड करना अच्छा लग रहा था। उसने डेटा एनालिटिक्स में चेक किया, लोग बाकी 9 आइटम 10 में से नहीं कर रहे, लेकिन फोटो अपनी ऐसा ऐसा बना करके मुंह अपलोड किया करते थे। वहीं उसने किया पिवोट, इसको बोलते हैं कम ऑन बाउंस बैक। जे कर्व के लिए बाउंस बैक करना पड़ता है। यूट्यूब, पहली बार में यूट्यूब थोड़ी बना था, यूट्यूब तो एक ऑनलाइन डेटिंग साइट था शुरू में। मैंने YouTube पे केस स्टडी दी है, आप देखिएगा, ऑनलाइन डेटिंग साइट, बाद में जे कर्व के साथ एक दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन। देखिए Flipkart, पहली बार में Flipkart नहीं बना, उसने भी बाउंस बैक किया। Amazon, पहली बार में Amazon नहीं बना, उसने भी बाउंस बैक किया। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं मॉर्फ करना, इसको बोलते हैं पिवट क्रिएट करना, इसको बोलते हैं इंप्रूवमेंट साइकिल क्रिएट करना। शुरू में Your first product is never your final product. Come on, that's a golden statement. One more time, come on. Your first product is never your final product.